अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट एट योर होम्स एंड डूइंग गुड प्रिपरेशंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। वेलकम बैक टू एनपीएस ऑफिशियल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट चैप्टर नंबर 3, बायोडिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। एज यू नो दैट इस चैप्टर की पेयरिंग है चैप्टर नंबर 7 के साथ, बायोडिवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल we have the definition of biodiversity as an important short question answers. You should know the plant's scientific name flora and animal's name fauna. Also biodiversity ki importance, dikhne mein to ye short question lag raha hai lekin aapko is tarah bhi question aa sakta hai, define biodiversity, give its importance. ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह बन के आ सकता है। आपने हमेशा जिस तरह मैंने यहाँ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इसी तरह आपने बायोडाइवर्सिटी की जो इंपॉर्टेंस है उसके पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखना है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये फर्स्ट वाला कम्प्लीटली एमसीक्यूज के लिए, लास्ट पे ये डेफिनेशन है, व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द टू एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और बोर्ड में बहुत दफा आ चुका है, डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, गिव द टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ ह्यूमन और पी प्लांट, ठीक है। इन दोनों की अलग से भी आ सकती है, इन दोनों की इकट्ठी भी आ सकती है। इसको याद करने के लिए फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इसके लिए आप आसान तरीका जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, क्या पीसीओ एफजीएस याद कर ली, ठीक है। फिर आपको याद रहेगा पी फॉर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। नेक्स्ट वी हैव स्पीशी एज अ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्पीशी की डेफिनेशन आपने चैप्टर 1 में भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है और चैप्टर नंबर 3 में भी, तो आपने इस चैप्टर वाली कर लें या फर्स्ट चैप्टर वाली लिख लें, एक ही बात है। नेक्स्ट, हाउ म्यूल इज प्रोड्यूस्ड, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। द क्राइटेरिया ऑफ इंटरप्रेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, व्हाई, उसका आंसर आपके पास ये मौजूद है बॉक्स। अब ये जो सारी हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें ज्यादा एमसीक्यूज ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डेफिनेशन आ जाएगी ऑटोट्रॉफ की और हाइड्रोट्रॉफ की, ठीक है। और ये ड्रॉबैक है उसके कि टू पॉइंट्स में आपने बताने के टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी यही है, इसमें इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, व्हाई फंजाई डिफर फ्रॉम द प्लांट्स, गिव द टू पॉइंट्स, हाउ फंजाई डिफर फ्रॉम द प्लांट्स, कि भाई ये प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है, फंजाई हेटरोट्रॉफ है, प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं जबकि ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, उसकी सेलुलोज से सेल वॉल मिलकर बनी हुई है प्लांट्स की, और जबकि फंजाई की काइटन से। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस क्या थी, वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन फाइव किंगडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत दफा बोर्ड में रिपीट हो चुका है। स्टेटस ऑफ वायरस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चैप्टर 4 में भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ वायरसेज आर ए सेलुलर, वाई वायरसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इनका सेम आंसर यही है कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग होता है, जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होता है तो वो लिविंग हो जाता है और वो वहाँ पर डिजीजेस कॉज करता है। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई वायरसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वाई वायरसेज आर ए सेलुलर, Differentiate between prions and viroids, important board short question answer. Write a note on binomial nomenclature, long question है आपके पास, इसमें आप सबसे पहले binomial nomenclature की definition देंगे, then उसका introduction देंगे कि Carlos Linnaeus ने इसको introduce करवाया था। Next आप इसके तीन scientific rules बताएंगे, तीन scientific rules जो हैं long question में तो आपने लिखने हैं, लेकिन ये अलग से भी board का important short question है। Significance आपका उसी के long question के अंदर आ जाएंगे। Differentiate between एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन का और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे आपने क्वेश्चन लिखना है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशी एक्सटिंक्शन, आपके पास मेजर कॉजेज क्या है, हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। व्हाट विल हैपन इफ सी स्टार्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओशन, इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन है। How eucalyptus plants are harmful from other plants, इस पर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि ये बोर्ड में आते भी हैं। Define deforestation, give its causes, define deforestation, give its effects, long question. Overhunting as a short question, steps for the conservation of biodiversity, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है, और इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है।
जो अभी रिसेंटली बोर्ड में आ रहा है लास्ट 2 ईयर्स से लॉन्ग क्वेश्चन, वो ये है डिफाइन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। तो आपने उसमें इंडस डॉल्फिन, हुबारा बस्टर्ड, मार्को पोलो शिप दोनों बताने हैं, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यूज है। मार्को इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, चकोर इज द नेशनल बर्ड ऑफ द पाकिस्तान। सो स्टूडेंट्स, डेट वॉज आवर टूडेज वीडियो अबाउट चैप्टर नंबर 3 बायोडिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट चैप्टर। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड डू वेरी वेल प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।